अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, स्ट्रीट स्टाइल में हम पाव भाजी बनाएंगे। काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि बाहर के जैसी हमारी पाव भाजी नहीं बनती है, तो आज हम जिस तरह से बनाएंगे तो आपके घर वालों को बिल्कुल भी शिकायत नहीं रहेगी कि ये बाहर के जैसी पाव भाजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। 10-12 टमाटर को हमने एकदम रफली चॉप कर लेना है। एक शिमला मिर्ची को भी हमने इस तरह से बारीक चॉप करके रख देना है। मटर को हमने अलग से बॉईल करना है, आलू को हमने अलग से बॉईल करना है। सारी चीजों को अलग अलग बॉईल करना है। एक सलगम को हमने अलग बॉईल करके रखा है और हरी मिर्ची का पेस्ट बना के तैयार किया है। और ये फूल गोभी को हमने हल्दी और नमक में अलग से बॉईल करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सारी सब्जियों को एक साथ बॉईल कर देते हैं, इसकी वजह से इसका टेस्ट पूरा खराब हो जाता है। 2 मीडियम साइज के अनियन को हमने इस तरह से बारीक चॉप कर लेना है। अपने सब्जियों को अलग अलग बॉईल करना है, तो एक दफा इस तरह से बनाइए और इसके बाद आप बताइए, इतने जबरदस्त पाव भाजी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पे हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होने लगे उसके बाद इसमें हम बारीक चॉप की हुई अनियन को डाल देना है और इसको हल्का सा हम सौते करेंगे। अनियन हल्के से सॉफ्ट हो जाए इसके बाद हमने बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्ची ऐड कर देना है। 1 मिनट तक भून लेंगे और इसके बाद बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसमें हम धीरे धीरे करके बाकी की बॉईल की हुई सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। पाव भाजी में सलगम ऐड करने से पाव भाजी का कलर बहुत ही ज़्यादा निखर के आता है। सलगम मतलब चुकंदर, चुकंदर को आप बॉईल करके ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसमें हम हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारी सब्जियों को अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से भूनेंगे। अगर आप हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करना चाहते हैं तो सारी सब्जियों को इस टाइम पे ब्लेंड भी कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। दो चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर जाएगा इसमें। चुटकी भर हल्दी ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे हसबे जायका। चुटकी भर कसूरी मेथी ऐड करेंगे और फिर सारी सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे और इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से मैश करेंगे। पाव भाजी का कलर आप देख सकते हैं, कितना प्यारा कलर आया है। लास्ट में हम इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। पाव भाजी मसाला आप अपनी पसंद का किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इसमें हम एक गिलास पानी भरकर ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब इसको ढककर हम 5-10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। दस मिनट के बाद हम खोल के चेक करेंगे। देखिए, मज़ेदार किस्म के हमारी पाव भाजी बनकर तैयार है। ये पाव भाजी इतनी डिलीशियस बनकर तैयार होती है, आप एक दफ़ा इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अब इस पे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कसूरी मेथी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे। बटर के बगैर तो पाव भाजी बिल्कुल अधूरी है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें बटर भी ऐड कर देंगे। तो भाजी तो हमारी बनकर तैयार है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में हमने भाजी तैयार की है। अब यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे और उसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और जो भाजी हमने तैयार करके रखी है वो भाजी थोड़ी सी डाल देंगे 1 चम्मच भरकर, और अच्छे से मसाले को तड़कने देंगे और इसके बाद पाव को बीच में से कट करके मसालेदार पाव तैयार कर लेंगे। भाजी के साथ इस तरह के मसालेदार पाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। भाजी बनकर तैयार है, पाव भी हमारे अच्छे से ग्रिल हो गए हैं, तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। स्ट्रीट स्टाइल में हम प्लेटिंग करेंगे। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार किस्म के स्ट्रीट स्टाइल में पाव भाजी की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कर दीजिएगा प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।